सरकार समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रांतीय अध्यक्ष हमारे छोटे भाई रंजीत सम्राट जी यहाँ उपस्थित, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनचा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार वन, सभागार में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, उधर बैठी हुई हमारी कुछ महिला पत्रकार भी हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले इस मंच पर, इस सभागार में, इस पावन माह के पावन अवसर पर सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज का दिन बड़ा ही गौरव का दिन है। मैं अपने आप को आप सबों के बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप सबों के ऐसे हस्ती के सामने और आप सबों से मिलने का, आप सबों से रूबरू होने का मुझे ऐसा ऐतिहासिक दिन में मौका मिला। और इसका श्रेय मैं अपने छोटे भाई रंजीत सम्राट जी को देती हूँ जिन्होंने मुझे इस अवसर का लाभ देने का मौका दिया। धन्यवाद मैडम, आपने हम तमाम पत्रकारों के हौसला का अफजाई किया। मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि वक्त की बक्कंदगी निकाल करते हैं, कम जज्बा हटाने की चीज है। एक बार इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ आ करते हैं, जहाँ वास्तव में खुशी पाने की चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा, हमारे मुजफ्फरपुर से दूरदर्शन के संवाददाता हैं संतोष कुमार जी, मैं चाहूँगा कि वो आए और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं संतोष कुमार जी आए और अपनी बातें को रखें। हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष, धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी रंजीत सम्राट जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फराज अहमद जी और हमारे सामने उपस्थित हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, हरीश साथी, आज जिस अवसर पे हम लोग आए हैं, जो विषय जो रखा गया है उसमें माननीय मंत्री जी का रहना बहुत ही आवश्यक था। आए दिन पत्रकारिता जोखिम भरा होता जा रहा है, जो पूर्णतः इस पेशे से जुड़े हुए हैं वो इस दर्द को भली भांति समझ रहे हैं, कितना जोखिम भरा होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं, मुजफ्फरपुर बहुत मामलों में चर्चित रहा है, शायद याद कराना होगा कि बालिका गृह और भी बहुत सारे मामलों में, तो सोचिए कि इस तरह की बातें भी देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन जो जो बिंदु पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से उठाया गया है उस पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए। मुकेश जी, अब मैडम आ रही हैं और मैं मैडम को रिसीव करने जा रहा हूं। तब तक हमारे छोटे भाई संतोष कुमार पांडे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की, तू चल तेरे वजूद की, अब समय की तलाश है, अब समय की तलाश है। इन्हीं शब्दों के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैडम आ रही है, मैं रिसीव करने नीचे जा रहा हूँ। संतोष कुमार पांडे जी आए और आगे की कार्यक्रम को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सभी सम्मानित को अपने कलेज का प्रणाम करता हूँ और हमारे मित्रों को हमारे प्रबंधन करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो यह है कि सोच बनानी चाहिए। आज मेरे समय में मित्र हो तो हमारे समय में चाहिए, आज कहीं हो बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगा एक बार भाई श्याम सुंदर केसरी सतह से, भाई श्याम सुंदर केसरी आवाज और अपनी बातें करके। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते रंजीत सम्राट जी, मंच पर उपस्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण एवं वरिष्ठ पत्रकारगण, इस हॉल में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भाई और बहनों, आज हम लोग इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। आज के परिस्थिति में पत्रकारिता एक चुनौती है और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से
हम लोगों ने जो चुनौती के दौर में जो सरकार से मांगे रखे हैं, हम आज सभी मंत्रालयों को अनुरोध करता हूं कि उस मांग के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करते करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र में नेता हमारे अतरुण भैया हैं जो कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए यहाँ तक लाए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मैं अकेला हूँ, चला था बंद हो मंजिल, मगर लोग सब मिलते गए, कारवा बनता गया। तो कारवा निकल चुका है और अपनी दुकान तक पहुंचकर हम बनेगा। मुझे आशा हुई नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उसमें आप लोग हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और मैं आवाज देना चाहूंगा भाई नवीन कुमार खुशरपुर, भाई नवीन है, अगर आप यहाँ हैं तो कृपया जो यहाँ चले आएंगे। नवीन कुमार खुशरपुर के लिए भी आप लोग कहूँगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ताली बजाने में आप लोग तंदुरुस्ती कहा करते हैं। तो कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया जाता है। अभी हम विचार गोष्ठी के रूप में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। हम लोग के भी कई पत्रकार आए हुए हैं। मैं चाहूंगा सब जहां भी जगह मिले आकाशवाणी रेडियो से आई हुई है, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन सह सम्मान समारोह में सर्वप्रथम माननीय सांसद श्रीमती बीना देवी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे भी एक बार फिर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज अहमद कुरैशी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच सीधे भारतीय सर का भी मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे संरक्षक हैं रेडियो आकाशवाणी के, दूरदर्शन के एंकर खालिद रशीद जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सूर्या समाचार के बिहार हेड हमारे एस के राजी, हमारे अभिभावक के तौर पर संरक्षक के रूप में यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं उड़ीसा से चलकर सत्येंद्र मिश्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच कुमारी बबीता जी आई हुई हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजनीति प्रसाद गुप्ता जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए उससे पहले मैं चाहूँगा विश्वनाथ गुप्ता जी आए, हमारे संगठन के महासचिव विश्वनाथ गुप्ता जी आए और सर्वप्रथम साल लाकर साल लाकर हमारे विशिष्ट अतिथि का साल उठाकर उनका स्वागत करें। आकाशवाणी रेडियो के सगुप्ता जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो मैडम को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय में बीना जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया जाए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी सगुप्ता जी जो आकाशवाणी रेडियो की हैं, आगे बढ़ाएंगे। अभी स्वागत का कार्यक्रम जारी रहेगा, वो आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय नीरज कुमार जी, मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विशिष्ट अतिथि वीणा देवी पूर्व सांसद मुंगेर से, और चिराग अहमद कुरैशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज एटीएम न्यूज चैनल के स्टूडियो में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हम प्रदेश के तमाम पत्रकारों और यहाँ मौजूद उन तमाम अतिथियों का, उन तमाम गेस्ट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम यहाँ प्रदेश के उन तमाम पत्रकारों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए समाज की उन परेशानियों को, उन समस्याओं को सरकार के सामने उजागर करने में हम सभी की सहायता की है, जिससे कि सरकार का ध्यान उस तरफ गया है और उस तरफ सरकार ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगी कि जितना हो सके हम सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के हौसलाफजाई के लिए जमा हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार किसी को कहना पड़ेगा कि आप ताली बजाएं। मुझे उम्मीद है जब भी इसको सम्मानित करेंगे हम ये समझेंगे कि हम खुद को सम्मानित कर रहे हैं और जोरदार तालियों से सबका स्वागत होगा। तालियों में कंजूसी ना करें। लखीसराय के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार जी, मैं आमंत्रित करती हूँ, वो यहाँ पर स्टेज पर आए। तालियों में कमी नहीं कीजिए, प्लीज जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आपने सभी तमाम हमारे अतिथियों का तरीका से आपने स्वागत करवाया, अभिनंदन करवाया। आपका आपका अध्यक्ष है आप तो अब आपके बीच हम लोगों के बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा जी, मैं अपना से कहना चाहूंगा कि सत्येंद्र मिश्रा सर को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें, और कृष्णा गुप्ता जी,
हम माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। शुरुआत आप हमारे तमाम सदस्य मार्गदर्शन करें है जो भी समस्याएं हैं आपके माध्यम से आप हमारे बिहार के कर्णधार हैं बिहार के शिरोधार हैं आपके ही शक्ति से हमारी शक्ति बनती है और आप ही जब हमें कुछ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं से पत्रकार भाइयों से आग्रह करेंगे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो हो रहा है उसके विशिष्ट अतिथि वीणा देवी जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण संरक्षण मंडल है उनके सम्मान में भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं विशेष बात न बोलते हुए भारतीय लोकतंत्र के चार स्तंभ जो पत्रकारिता के रूप में हम जानते हैं न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका पर कैसे अंकुश लगाया जाए कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाए यह जिम्मा जो है पत्रकारिता का जिम्मा है और हम तमाम पत्रकार भाई बंधु अभी हमारे जो एक मधुबनी से जो पत्रकार बंधु आए थे बहुत ही सटीक जवाब उन्होंने दिए सटीक प्रश्न रखे उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जो उन्होंने जो पत्रकारों का ज्वलंत मुद्दा है उसको उठाए और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर न्यायपालिका सही ढंग से काम करे पत्रकारिता सही ढंग से पत्रकारिता न्यायपालिका सही ढंग से काम करे विधायिका सही ढंग से काम करे कार्यपालिका सही ढंग से काम करे उसके लिए हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है इस बात को समझना होगा और खासकर जो पत्रकार बंधु है पत्रकारिता है उनको मजबूती प्रदान करना होगा। सरकार तरफ की बातें यहाँ पे रख पा रहा हूँ कि पत्रकार होने के नाते हालांकि मैं इतना वरिष्ठ अनुभव के द्वार से तो वरिष्ठ हो गया हूँ करीब 24 साल का अनुभव है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को अगर आसपास कर दिया जाए तो लेकिन संरक्षक बनने के फिजिकली थोड़ी उम्र कम लगती होगी आप लोगों को तो संरक्षक बना दिया क्या मुझे मैंने इसको ग्रेसियसली स्वीकार कर लिया है तो गार्जियन की भूमिका होती है संरक्षक की गार्जियन की भूमिका होती है और एक अभिभावक के तौर पर हम यही कहेंगे आपको कि जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं जो पत्रकारिता की मूलभूत बिंदु है उसको लेकर चलिए कहीं से भी आ रहे हो आप ये मुझे पता है कि जो मुख्यालय में बैठे हुए हम से जैसे पत्रकार हैं वो सुविधाजनक स्थिति में हैं और आप जो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जिलों में काम करते हैं तहसील में काम करते हैं अनुमंडल में काम करते हैं आपकी चुनौतियाँ बड़ी हैं बहुत बड़ी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है इसीलिए मैं जब भी इस तरह के मंच पर खड़ा होता हूँ तो ये बोलता हूँ जो लोग सरोकार रखते हैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप पत्रकारों के लिए कोई योजना शुरू कर रहे हैं कोई मानक निर्धारित कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो तहसीलों में काम करने वाले जो अनुमंडल में काम करने वाले जो जिलों में काम करने वाले जो पत्रकार साथी हैं उनको देखना चाहिए क्योंकि उनकी ज़रूरत बड़ी है। यहाँ जो मुख्यालय में बैठे पत्रकार हैं बहुत सारे लोग जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे जिनको हम मठाधीश के तौर पे संबोधित करते हैं अपने सर्किल में तो बहुत समय से वो आपकी चिंता नहीं करते हैं जो प्रेस सलाहकार समिति है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी चिंता नहीं करते हैं तो मैं यही आवाज़ उठाता रहता हूँ कि भाई ये जो समितियाँ ये जो कमिटी है उसमें ऐसे लोग शामिल किए जाएँ जो आपकी चिंता करें आपकी फिक्र करें आपके सवाल उठाएँ आपकी जो मांगे हैं उसको रखें और मांगे क्या है आपकी बहुत सारे प्रदेशों में आप देखें तो राजस्थान में जयपुर के करीब आवासीय कॉलोनी आप पत्रकारों के लिए बनाई गई पत्रकारों ने प्रेशर बनाया बहुत सारे दबाव बनाए दबाव समूह के तौर पे काम किया और उसके बाद मजबूर होना पड़ा सत्ता को मजबूर होना पड़ा उसके लिए आगे बढ़े लेकिन उसके लिए जो मानक बनाया गया उससे मेरा विरोध है उसमें फिर उपेक्षा हुई किसकी जिला संवाददाताओं की अनुमंडल संवाददाताओं की संवाद सूत्रों की अलग अलग लोगों की उनको उपेक्षा हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मानक बनने चाहिए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है हमारे मित्र जर्नलिस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है पत्रकार एक मिशन के तौर पे आता है और आज भी हम ये मानते हैं
हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनका मिशन कुछ और हो, लेकिन अधिकांश पत्रकार अगर इस पेशे में आया है तो वो पैसे कमाने नहीं आया, वो सम्मान कमाने आया है और जनहित के कार्य करने आया है। उसने पैशन है कहीं ना कहीं और वो उसी पैशन के तहत खबरों के पीछे भागता है। गर्मी बरसात हर तरह के मुश्किलें हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, दंगा हो, फसाद हो, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। बड़े भाई खालिद रशीद सर, वो आप लोग के बीच पत्रकार के जन समस्याओं को बिल्कुल बारीकी से रखे। मैं कहना चाहूंगा बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री, नक्सल गतिविधि में हमारे देश के एक जवान की मौत हो जाने के बाद उनके श्रद्धांजलि के मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्होंने यहां आकर आप लोगों के बीच उन्होंने आए और संदेश भी दिया और क्षमा प्रार्थी कर उन्होंने कहा मैं बड़े दुख के साथ जा रहा हूं, अगर ऐसा घटना नहीं घटता तो मैं नहीं जाता। हालांकि हमारे तमाम अभिभावक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और आपके बैंक बिहार है इसके बावजूद सर से मैं चाहूंगा कि अपने जो सब आप लोगों को मार्गदर्शन के रूप में दें। की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ क्योंकि हम सभी लोग बैनर के तले आज मिल रहे हैं। मीना जी यहाँ मौजूद हैं और सांसद रही हैं और बहुत जुझारू नेत्री रही हैं, ये कुरैशी साहब हैं और तमाम जो भी यहाँ अतिथि आए हैं। देखिए बड़ी पत्रकारों के विषय में कहा जाता है कि जो एक पत्रकार होता है वो बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है और जो नेता होते हैं वो बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम है। कहा यह गया है पत्रकारों के विषय में कि बड़ा महीन है ये अखबार, ये चैनल का मुलाजिम भी है, खबर खुद है लेकिन दिखाता और लिखता दूसरों की है। देखिए जो विडंबना है, हम लोग एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं जहां पर कहने के लिए जनता मालिक है और हम लोग जनता के लिए ही खबरों को लिखते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अब इतनी निर्जीव हो चुकी है कि मधुबनी में सरेआम एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है लेकिन वो जनता सड़क पर निकल कर, दुर्भाग्य है इस देश का और फिर भी हम उसके लिए जी रहे हैं। हमारी अपेक्षा, कई मित्रों ने कहा कि नीरज जी नहीं आए, मुख्यमंत्री जी नहीं आए, ये नहीं आए, भाई वो आपके पास आकर आपकी वेदना को कभी नहीं सुनेंगे, वो इसलिए आपकी वेदना को नहीं सुनेंगे क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उनके पीछे लगातार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी खबरों को कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। खालिद भाई बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि नहीं वी हैव ए जुनून फॉर न्यूज एंड क्रिएटिविटी, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि हमारा भी अपना एक परिवार है। क्या मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी ऐसे पत्रकार होंगे जिनका अपना परिवार नहीं है। आप पूरे दिन जब काम करके लौटते हैं शाम में तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे, आपके परिवार की अपेक्षा आपसे होगी। आज पूरे दिन अगर पापा पूरे दिन घर से बाहर थे तो निश्चित तौर पर शाम को कुछ जमा कर आएंगे। आज जो भी अखबार, जो भी चैनल का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हम लोगों से काम ले रहा है, इस बात को कोई नहीं उठा रहा है। मनीषाना वेतन आयोग बना लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? क्योंकि जो हम पत्रकार हैं वो लागू नहीं करवा रहे हैं। हमारे पास, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे दलाल टाइप पत्रकार हैं जो जाकर सत्ता की दलाली करते हैं बैठ करके उनके पास और उनके हमें यहाँ मिलाते हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ सामने खड़े रहते हैं और जब वो यहाँ आएंगे हम लोग प्रणाम भैया प्रणाम कर करते रहते हैं। तो इसको बंद कीजिए, लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है और यकीनन जब हम किसी एक को सम्मान देते हैं तो याद रखिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है आप सब बेइंतहा कामयाब जाएंगे। ठीक है, तो सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी चंद्रिका प्रसाद जी को जो पूर्व डीआईजी हैं और इन्हें सम्मानित करने जा रही हैं हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि वीणा मैडम जी। चंद्रिका प्रसाद जी स्टेज पर आइए और वीणा देवी मैम से मेरी गुजारिश है कि वो उन्हें मोमेंटो और शॉल दे करके सम्मानित करें। सर जी भैया इधर आइए, इस तरफ आइए। पूर्व डीआईजी हमारे बीच है, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तालियों में तंदूरी किस लिए हो रही है, पर आपको भी सम्मान किया जाएगा।
और रीना मैम एक बार फिर से उन्हें शॉल दे करके मोमेंटो के साथ में सम्मानित करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे पुरुषों को थोड़ी सी गलती हो रही है, शायद इसीलिए तालियां कम बज रही है क्या? माँ बाप की जब औलाद बहुत आंसू और मन्नत से होती है, तो औलाद जब दुनिया में आती है तो आंसू होती है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। काम भी करता है, मैंने देखा है, सुना है, काफी जगह पर पढ़ा है। मुझे मास काम का बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं काफी आप तरह के प्रोग्राम में गई हूँ और मैंने देखा, वहाँ पे समझा चीजों को और सीखा है आप सबके बीच रह करके। और ये जानते जानते मुझे ये पता चला कि जो काम हम तलवार से नहीं कर सकते हैं वो हम कलम से कर सकते हैं। अपनी बात को पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया हमारे पास अगर है तो वो एक कलम है और उसके साथ हमारे शब्द, जो लोगों तक, सरकार तक, उनके कान से उनके दिल और दिमाग तक पहुंचते हैं जब हम बोलते हैं और लिखते हैं। और उसके बाद सरकार हमारे लिए कुछ अलग करती है और उस पर विचार करने पर सशेष, और वो ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमें वही बनना होगा, सरकार उनसे खुद आकर के पूछे, बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके आसपास में प्रॉब्लम क्या है, तब हम सही मायने में वो पत्रकार बन पाएंगे। हमारे कुछ अतिथि का मार्गदर्शन बाकी है, उसके बाद हमारे जिला से विभिन्न गाँव के गलियारों से चलकर आने वाले राजधानी में तमाम पत्रकारों को सम्मानित भी करना है। काफी समय हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग बोलेंगे, अगर और भी अगर कोई बोलना चाहे कि बाद में शिकायत नहीं, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं चाहूंगा अगर आप लोग में से कोई बोलना चाहते हैं तो 2 मिनट में बोल दें, उसके बाद हमारे 2-3 अतिथि के बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बाद में कोई शिकायत नहीं कीजिएगा, मात्र 2 मिनट देंगे, 2 मिनट 1 मिनट में बोलकर अपनी बात को खत्म करेंगे, उसके बाद हमारे कुछ अतिथि बोलेंगे और कार्यक्रम को फिर प्रशस्ति पत्र के बाद फिर रूपरेखा चिन्ह कर ले जाएंगे। ATN